आज गाइस मैं एक डायमंड फैक्ट्री बनाने वाला हूँ जिसके अंदर हर घंटे 10,000 डायमंड माइन होते हैं और ये एक्चुअली बहुत सारी कूल मशीन से भरी है, जैसे कि एक वाटरफॉल जिसमें डायमंड बहते हैं, एक कन्वेयर बेल्ट और एक एक्चुअली वर्किंग आई स्कैनर जो मुझे एक सीक्रेट रूम में ले जाता है और यहाँ पे मैं अपना ट्रेजर रखता हूँ और भी कुछ कूल चीजें जो तुम्हें वीडियो देखने में पता ही चल जाएंगी। और मेरे हिसाब से फैक्ट्री को हमें इधर बनाना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा बड़ी होने वाली है ताकि मुझे अनलिमिटेड डायमंड प्रोड्यूस कर पाए ना। और हाँ, अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। लिटरली 2 घंटे लग गए मुझे इस पूरे एरिया को क्लियर करने में, लेकिन वो हम लोग की मेन प्रॉब्लम नहीं है। क्या बात है, डायमंड फैक्ट्री जैसी कोई चीज होती नहीं है। पर एक सेकंड रुको, बन गई डायमंड माइनिंग मशीन। और ये एक्चुअली झूठ नहीं है, ये देखो ऐसे करके ये मेरे लिए ऑटोमेटिकली डायमंड्स को माइन कर सकती है। और मेरा प्लान तो ये है, मैं यहाँ पे इतनी सारी मशीन्स बना दूं कि मुझे हजारों डायमंड मिले, मतलब लिटरली इतनी सारी कि मैं उन्हें गिन ही ना सकूं। अब चलो देखते हैं 10 मिनट के अंदर हम लोग 4 मशीन से कितने डायमंड्स निकाल सकते हैं। ये रहे डायमंड। टाइमर के हिसाब से तो मुझे हुए हैं अभी 9 मिनट्स और 27 सेकंड, लेकिन ये देखो एक स्टैक और 32 मिल चुके हैं मुझे ऑलरेडी, अभी ज्यादा नहीं हो रहा मतलब। अब इनको देख के मेरे दिमाग में आ रहा है अगर 4 मशीन इतना कर सकती हैं तो और कितनी करेंगी। पर उनको बनाने के लिए हम लोगों को थोड़े से मटेरियल्स उठाने पड़ेंगे, जैसे कि थोड़ा सा स्लाइम, डिस्पेंसर्स, थोड़े से पिस्टन्स और कुछ TNT। और हाँ, तुम्हारा नाम अब से प्रमोशन, क्योंकि ओके भाई हम लोगों का ये नया एम्प्लॉई हायर हो चुका है। अभी काम करते हैं, इसका कोई नाम नहीं है ना, तुम लोग क्या करो कमेंट सेक्शन के अंदर सारे के सारे नाम लिखो, मैं उनमें से सबसे फनीएस्ट इसको दे दूंगा। और अब गाइस हम लोगों को माइनक्राफ्ट का सर में लग गई बाव। अरे नहीं नहीं नहीं, गिरने वाला हूं। और अब हम लोगों को माइनक्राफ्ट का सबसे हार्डेस्ट मटेरियल चाहिए जो कि है अपना नेदरराइट, क्योंकि मुझे हर एक मशीन बनाने के लिए 3 नेदरराइट की जरूरत होती है। चलो मैं एटलीस्ट थोड़ा सा TNT ले आऊं तो हम लोगों की जॉब थोड़ी सी इजीयर हो जाएगी। हेलो भाई, ये कौन निकल के आ रहा है यहाँ पे? यार ये तो क्या करूँ मैं यार इसका, तुम ही बताओ मुझे। अब यार तुम्हारी मर्जी थी, फटेगा वो देखो आने की कोशिश कर रहे हैं बेचारे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे, बस ये ब्रिज फोड़ना है मुझे और सेफ। बताओ यार, कोई भी कर सकता है ना, तुम बताओ, तुम भी कर देते हैं ना। A few moments later. कुछ भी बोलो लेकिन देखने में तो बड़ा मजा आता है यहाँ पे नेदरराइट पटते हुए। अरे ऑलरेडी मिल गया यार हम लोगों को नेदरराइट, ऐसे चलता रहता है मैं तो बस 1 घंटे के अंदर ही कर लूंगा ये सब पूरा का पूरा। ओके भाई, अब मुझे 6 घंटे हो चुके हैं यहाँ पे करते करते, लेकिन ये देखो मैंने फाइनली सारा का सारा नेदरराइट कलेक्ट कर लिया और मैं वापस अपनी केव के अंदर आ चुका हूँ। और जैसे कि तुम लोग देख सकते हो मैंने सारा नेदरराइट वापस लगा दिया। अब हम लोग अपने बाकी के मटेरियल भी लगा लेते हैं। और अगर तुम लोगों का क्वेश्चन है कि ये मशीन कैसे वर्क करती है, तो भाई हम लोग गलत बंदे के पास आ गए। मुझे नहीं पता कैसे वर्क करती है, लेकिन भाई वर्क करती है बहुत बढ़िया तरीके से। 3 hours later. और 3 घंटों के बाद मैंने सारी की सारी मशीन्स फाइनली बना डाली है। बाप रे, देख रहे हो कितनी है ये। मैंने तो बस ऐसे बनाई है, लिटरली जितना भी नेदरराइट था मैंने सारा यहाँ पे लगा डाला है अपना। सबसे पहले तो यार हम लोग को इसे देखना पड़ेगा वर्क भी कर जाएगी कि नहीं। ओके, ये सेटअप तो हो गई है एंड TNT निकल गया, अब बस फाइनली फटनी है। कर देखा है भाई हम दोनों ने और पहली बार में डायमंड मिल गया यार हम लोगों को, बहुत बढ़िया चल रही है। तो अब भी सवाल उठता है कि ये कितने डायमंड्स माइन कर सकती है। मेरे हिसाब से अगर ये 1 घंटे के अंदर 1500 डायमंड कर लेगी तो भाई हम लोगों के पास सबसे खतरनाक डायमंड मशीन होगी पूरे माइनक्राफ्ट के अंदर। मैं तो भाई अब बस काम करना शुरू करता हूँ। 1 hour later. अब अगर तुम लोग सोचो मुझे कितने डायमंड्स मिले, तो मेरा जवाब है डायमंड। अरे कितने सारे हैं यहाँ पे, और डायमंड। बस भाई बस, अरे बाप डायमंड, अरे लावा। मुझे इतने सारे डायमंड्स मिल रहे थे कि मुझे लिटरली एक टेक्सचर पैक लगाना पड़ रहा है इन सबको ढूंढने के लिए। फाइनली मेरा काम कंप्लीट हो चुका है। वो देख रहे हो कितनी पीछे है मेरी मशीन, पूरी खला बना रखी है मैंने यहाँ पे। लिटरली इतना टाइम लग रहा है इसके थ्रू फ्लाई करने में, तुम लोगों को ये छोटी लग रही होगी लेकिन अभी जो मेरे हाथ में रॉकेट था ना वो फुल 3 ड्यूरेशन का था, मतलब पूरा एक रॉकेट खत्म हो चुका है लाइटर का। और अब फाइनली तुम्हारा सबसे बड़ा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, तो मुझे मिले हैं 2058 डायमंड्स। ये भाई ये कैसे हो गया, ये इतनी खतरनाक थी ये मशीन, बाप रे। अब जब हम लोगों को पता चल चुका है कि डायमंड मशीन्स एक्चुअली में एक रियल चीज होती हैं, तो हम लोग अपनी एक्चुअल फैक्ट्री के ऊपर काम करना शुरू कर सकते हैं। तो मेरे प्लान्स के हिसाब से हम लोगों की फैक्ट्री के राइट के अंदर होगी एक कन्वेयर बेल्ट जो हम लोगों के सारे डायमंड के सामान को घुमा के दिखाएगी, तो ऊपर की तरफ होगी एक डायमंड वाटरफॉल और सबसे लेफ्ट के अंदर होगा हम लोगों का एक सीक्रेट वॉल्ट जिसको सिर्फ मैं ही एंटर कर सकता हूँ। उसके अंदर मैं अपने सारे के सारे डायमंड को स्टोर करके रखूंगा। और मैं चाहता हूँ कि ये फैक्ट्री बहुत ही ज्यादा लंबी हो।
मैं इसका भी पूरा का पूरा फ्रेम बना देता हूँ। और फैक्ट्री के अंदर एक फ्लैट रूफ नहीं होनी चाहिए यार, बोरिंग हो जाएगी ना थोड़ी। मेरे हिसाब से हम लोग एक खतरनाक सा पैटर्न बना देंगे। मेरा मतलब है कुछ ऐसा। अरे हाँ यार, ये तो बहुत बढ़िया लग रहा है, ये तो एक्सपेक्टेशन से भी अच्छा निकल गया है। अब चलो हम लोग बाकी की बची हुई रूफ को भी फिल इन कर देते हैं। और अब मैं रियलाइज कर रहा हूँ ये ज्यादा बड़ी नहीं है फैक्ट्री। मतलब एक तरफ मेरी यहाँ पे फैक्ट्री है और दूसरी तरफ मेरा स्टोर हाउस है। मतलब इतना छोटा क्यों है वो? ये इतनी बड़ी है कि ये पिरामिड के टक्कर के अंदर है साइज में। अब हम दोनों इसकी वॉल्स को भर देते हैं। और मैंने यहाँ पे बीच में एक ब्लैंक स्पेस छोड़ा है क्योंकि वहाँ पे आने वाला है हम लोगों का बहुत बड़ा डायमंड। ये दिखाने के लिए एक डायमंड फैक्ट्री है। अब हम लोगों की पूरी फैक्ट्री कम्प्लीट तो हो चुकी है, लेकिन यहाँ पे अंदर तुम लोगों को थोड़ा खालीपन नहीं लग रहा? अब अच्छी लग रही है ना, फ्लोर लग गई। और हाँ, ये भाई हम लोग की माइंस की एंट्रेंस है। हाँ जानता हूँ काफी छोटी है ये, और इसका सोल्यूशन है एक और भी बड़ा छेद बनाना। एक बड़े छेद से क्या होगा, मैं अपनी लाइड्रा का यूज करके इसके ऊपर नीचे ट्रेवल कर पाऊंगा, लेकिन इसको बनाने में हमें थोड़ी सी देर लगेगी। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि हम लोग एक जल्दी से TNT डुप्लीकेटर बना लेते हैं एंड डन। ये हम लोगों का पूरा काम ऑटोमेटिकली कर देगा। कितनी बढ़िया मशीन होती है यार माइनक्राफ्ट के अंदर। बस मैं ऐसे मजे से बैठा रहा हूँ और ये मेरा काम पूरा कंप्लीट। A few moments later, ये क्या बला है भाई? एक ज़ॉम्बी विलेजर जो आर्मर पहना हुआ है, उसने अंदर फार्मर की हेड पहन रखी और लेदर की। ये तो भाई मुझे अपनी कलेक्शन के अंदर चाहिए। बेचारा आ रहा है, उसे पता भी नहीं उसके साथ क्या होने वाला है। तुम्हारा नाम अब से दूध। अबे साले, है बेचारा गुस्सा हो गया वो थोड़ा सा। अब भाई मुझे थोड़ा फॉलो करना बंद करोगे? नहीं, ये ऐसे नहीं मानेगा है ना। हाँ ऐसे ही समझ में आती है तुम्हें है? अब देखो सही से बिहेव करना, हम दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त हैं ना। भाई के ऊपर हाथ उठा दिया मतलब। ओके चलो, बहुत दूध मलाई वाली हरकतें हो गई। अब एक्चुअली हम लोग फोकस करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, इसके एजेस के अंदर वाटर लगा देते हैं। फिर अगर मैं इसके अंदर ठुकता भी हूँ तो फिर मैं इमीडिएटली मरूंगा नहीं, और अगर एलाइट्रा मेरी खत्म भी हो जाती है तब भी मैं ऊपर नीचे जा पाऊंगा एंड फिनिश। हम लोगों का पूरा अच्छा सा होल तो बन चुका है, अभी कम्प्लीटली सेफ है और माइंस की एंट्रेंस बढ़िया बन चुकी है। अब हम लोग एक्चुअली अपनी पहली मशीन बनाते हैं, कन्वेयर बेल्ट। अब इस कन्वेयर बेल्ट को बनाने के लिए मैं नॉर्मल ब्लॉक्स का यूज तो कर नहीं सकता क्योंकि समझ गए, लेकिन मैं हनी ब्लॉक्स का यूज कर सकता हूँ क्योंकि ऐसे करके यहाँ पे स्टिक कर जाता है। मैं चाहता हूँ ये पिस्टन हम लोगों के हनी ब्लॉक्स को ऐसे एक राउंड के अंदर ले जाएं ताकि हम लोगों को ये मूव करती हुई देखें। अब देखो मैं कोशिश कर सकता हूँ यहाँ पे थोड़ा रेडस्टोन लगाने की, और आई थिंक ये सही लग रहा है मुझे तो। ये पूरी की पूरी मूव कर रही है, मुझे बस ये बटन को दबाना है। अब इसको बस मुझे ऑटोमेट करना होगा, वो तो काफी ईजी है, बस मुझे एक रेडस्टोन की साइकिल बनानी होगी। ओके तो मैंने थोड़ा टाइम लगा के यहाँ पे एक रेडस्टोन साइकिल बना दी है। ये क्या कर रही है, थोड़ा सा डिले डाल ली है ताकि हम लोगों की पिस्टन एक्चुअली हल्के हल्के मूव करें। अगर ज्यादा जल्दी मूव करेंगे तो हम लोग की मशीन खराब भी हो सकती है, लेकिन तुम लोग देख सकते हो यहाँ पे काफी सारी हम लोग आर्मर डाल सकते हैं अलग अलग। अब बस हम लोग इसके ऊपर अपने स्टैंड डाल देते हैं एंड इस गंदे से रेस्टोरेंट को भी छुपाना पड़ेगा, और ऊपर ये थोड़ी सी लाइट भी अच्छी रहेंगी। और मैं सोच रहा हूँ हम लोग क्या कर सकते हैं, ब्लॉक के भी कन्वेयर बेल्ट बना सकते हैं। तो यहाँ पे ऊपर भी मैंने एक ब्लॉक बना दी, और जैसे कि तुम लोगों को यहाँ पे दिख रहा है ये हम लोगों का डायमंड ब्लॉक और डायमंड ओर भी मूव कर रहे हैं। एंड मैंने इसका इंटीरियर भी बना दिया यहाँ पे ऐसे करके। साइड में मैंने यहाँ पे थोड़े से डायमंड और ओर भी रख दिए हैं ऐसा दिखाने के लिए ना कि ये स्टोरेज है, और ऊपर एक्चुअली हम लोगों की चीजें प्रोसेस हो रही है जैसे फैक्ट्री में होती है। मुझे तो इसके अंदर ये चीज अच्छी लग रही है कि पहले ऐसा लग रहा है डायमंड ओर थे, उनको डायमंड ब्लॉक्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया, और फाइनली उन डायमंड ब्लॉक से हम लोगों की डायमंड आर्मर बन गई। अब इन आर्मर स्टैंड्स को थोड़े से कपड़े पहना देते हैं ना, एंड इट्स कंप्लीट। हम लोगों का पूरा खतरनाक सा कन्वेयर बेल्ट सिस्टम बन गया। मशीन नंबर टू हम लोगों की डायमंड वाटरफॉल। ये शायद तुम लोगों को पता ना हो, लेकिन अगर हम हनी के ऊपर ऐसे आइटम्स डालते हैं तो ये एक्चुअली ग्लाइड करते हैं। ओके मेरी अब सारी हनी की लाइफ सेविंग तो खत्म हो चुकी है, लेकिन ये कहीं से भी खत्म तो नहीं लग रहा। लगता है थोड़ी मधुमक्खियों की मेहमान नवाजी करनी पड़ेगी। और बेचारी बेघर हो गई वो तो। अब अगर तुम लोगों ने नोटिस किया था कि हनी को तोड़ने के बजाय मैं इनके घरों को एक्चुअली फोड़ रहा था, वो इसलिए था कि एक फॉर्म बनाए बिना ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अभी दिन के 1 बज रहे हैं, मैं क्या करता हूँ अपने कंप्यूटर को 6 बजे तक ऑन करके देखता हूँ, और हम लोग थोड़ी देर में वापस आते हैं। 5 hours later. हाँ ये हुई ना बात, अच्छा खासा शहद दे दिया। अब थोड़ी सी हनी बना लेते हैं। डन डन और डन, और ये हुआ है कंप्लीट फाइनली हम लोगों की वॉटरफॉल। दूध बढ़िया लग रहा है ना ये? नहीं। यहाँ पे भाई आ जाएंगे हम लोगों के 2 डिस्पेंसर्स, ये हम लोगों के आइटम्स को एक्चुअली थ्रो करेंगे। उसके नीचे आ जाएंगे हम लोगों के साइंस, और यहाँ पे आ जाएगा हम लोगों का वॉटर फ्लो। और अब चेक करके देखते हैं,
बढ़िया, परफेक्टली वर्क कर रहा है हम लोगों का ये सिस्टम। ये देख रहे हो ऑलरेडी हम लोगों की एक वाटरफॉल बन चुकी है। वैसे डायमंड वाटरफॉल तो नहीं है, रैंडम आइटम वाटरफॉल है, लेकिन कोई ना, सिस्टम तो बन चुका है ना। अब और क्या प्रॉब्लम होनी चाहिए। बस यहाँ पे एक क्लॉक सेट कर दी है मैंने ताकि हम लोगों के डिस्पेंसर बार बार इन आइटम्स को थ्रो करते रहें। अब बस गिरे हुए डायमंड्स को ऊपर ले जाने का सिस्टम बना देना है। अब इसके लिए तो वाटर एलिवेटर ही बनाना पड़ेगा, और वाटर एलिवेटर तुम्हें पता है कैसे बनता है। सॉरी मछलियों यार, बुरा लग रहा है इन लोगों के लिए, लेकिन जरूरत थी। ओके गाइस, आई थिंक इतना इनफ होगा। वैसे एक्चुअली मैंने इतना फाड़ा है, लेकिन सॉरी मछली, नोबडी के। ओके, ये आइटम्स को वापस लाने का सिस्टम तो मैंने बना दिया है, और एक्चुअली मैंने यहाँ पे इसके नीचे ग्लास पिंस भी लगाए थे ताकि हम लोगों के डायमंड्स एक्चुअली इनके नीचे चले आए, लेकिन मैं नहीं। और अब आता है मजे का काम, डायमंड फेंकना। जाओ डायमंड्स, जीलो अपनी जिंदगी। वैसे डिस्पेंसर को मेरे हाय बोल के आना, एंड डन। और अभी तुम लोगों को ये खतरनाक लग रहा होगा, तुम लोग तो अभी देखते जाओ क्योंकि मेरे पास थोड़े और खतरनाक प्लान्स हैं। और हम लोग कोने के अंदर एक्चुअली अपने आइटम डिस्पेंसर डाल सकते हैं जो मुझे ऑटोमेटिकली इक्विप कर देंगे आइटम्स से। मैं बोलूंगा पहले हम लोगों का आर्मर के लिए सही है, दूसरा टूल्स के लिए, और तीसरा हथियारों के लिए। ये तो बड़ा ही सिंपल है, इसके अंदर बस थोड़े से डिस्पेंसर्स लगाने हैं हम लोगों को, रेडस्टोन से कनेक्ट कर देते हैं। एंड अब अगर इसके अंदर मैं वॉक इन करूंगा तो मुझे मिलता है कुछ नहीं, क्योंकि अभी इसके अंदर तो कुछ भरा हुआ ही नहीं है ना। बस एक सेकंड में यहाँ पे डायमंड आर्मर, अब इसको फाइनली भर ही देते हैं हम लोग। मैं तो भाई साहब सोच भी नहीं सकता हूँ नॉर्मली इतनी सारी आर्मर बनाना, मतलब कितना टाइम लगता है नॉर्मली ये सब करने के लिए। एंड ये आर्मर वाला तो हो गया, तो अब अगर मेरी कभी भी जान जोखिम में हो, जैसे कि मेरे पीछे बहुत सारे ज़ॉम्बी पड़े हों, अरे नहीं मैं मर जाऊं, तो मैं लिटरली अपनी जान बचाने के लिए यहाँ पे वॉक कर सकता हूँ। ये देखो आप कुछ भी नहीं कर सकते। अरे 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 पीछे पड़ गए ये तो भाई। हाँ नहीं तो यार, अब हम लोगों का अगला डिस्पेंसर है टूल्स का, और टूल्स से मतलब तो तुम लोग जानती हो। और ये रहा फाइनली हम लोगों का तलवारों का, इतनी सारी मिल गई। दूध तो आज, अरे नहीं 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 यार ये काफी रेयर है, लेकिन एक के ऊपर ट्राई करने मुझे। ये रही। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट हम लोगों की आखिरी मशीन, एक सुपर सीक्रेट आई स्कैनर वॉल्ट जिसको सिर्फ मैं एंटर कर सकता हूँ। यहाँ पे होगा हम लोगों का आई स्कैनर, और ये रहा उसका दरवाजा। तो अगर मैं इसके बिल्कुल यहाँ पे ऐसे आके खड़ा हो जाऊँ तो ये मेरे चेहरे को स्कैन कर लेगा और मुझे अंदर जाने देगा, लेकिन एक्चुअली इसको लेने के लिए मुझे एक पफर फिश चाहिए होगी। पकड़ा गया, अब क्या करोगे? अब देखो पफर फिश का क्या काम है, वो यहाँ पे हम लोग की फिट। ओके इतना तो मैं डिजर्व करता हूँ। इसके ऊपर मैंने एक प्रेशर प्लेट डाल दी है, तो अगर मैं इसके पास आऊंगा ये खुल जाएगी और ये दरवाजा खुल जाएगा और फिर ये बंद हो जाएगा। अब हम लोग फाइनली इस पूरे के पूरे रूम को बना डालते हैं। और एक सेकंड, मैंने एक चीज रियलाइज करी, इसका मतलब तो कोई भी मॉब इस आई स्कैनर को खोल सकता है। सॉरी, अब बस मैं ही खोल सकता हूँ इस दरवाजे को। ये किसके लिए बंद हो रहा है यहाँ पे? यार ऐसा तो नहीं चल पाएगा हम लोगों का खेल, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा मुझे। ओके, मैंने एक घंटा बैठ के इसको थोड़ा सा एडिट किया है, अब एक्चुअली क्या हो सकता है, सिर्फ मैं ही एंटर कर सकता हूँ। मैं एक्चुअली तुम लोगों को दिखाता हूँ एक नॉर्मल प्लेयर इस मशीन से कैसे रिएक्ट करेगा। तो ये क्या चीज है यहाँ पे, बहुत ही बेकार में कहने था। वैसे मैं सीधे डोर को तोड़ सकता हूँ ना, डू नॉट रिमूव डायमंड। बेचारी काफी गरीब फैक्ट्री थी, एक ही डायमंड था बस, उसे कहाँ पता था कि मैंने फैक्ट्री ऐसी डिजाइन करी थी। अगर तुम इस आई स्कैनर को एक्टिवेट करते हो और डायमंड को रिमूव ना करते हो बल्कि उसे उल्टा घुमा देते हो तो मान गए मुझे, और आ गए हम लोग रियल ट्रेजर रूम के अंदर। अब देखो ये पूरा का पूरा खाली है क्योंकि मैंने इसके अंदर कुछ भरा नहीं है, अभी भर दूं। ओ ये कौन? और वैसे ट्रेजरी को फिल इन करने से पहले मैं बताना चाह रहा था कि मैंने साइड के अंदर ऐसा एक स्टोरेज रूम सा बना दिया, क्योंकि एक्चुअली माइन करते वक्त मुझे काफी सारा फालतू का पत्थर मिलता है, वो यहाँ पे आ जाता है। ओके अब फाइनली इसको फिल इन कर देते हैं, ये आखिरी चीज है हम लोगों की फैक्ट्री की। ओके यार काफी खतरनाक बनता जा रहा है ये तो। ये देखो कितनी प्यारी लग रही है मेरी ट्रेजर रूम, और ये इतना सारा ट्रेजर है, ये टोटली सॉलिड। अरे इस साइड के ऊपर है मेरी डायमंड सॉर्ड कलेक्शन। तुम लोगों की कितनी बढ़िया है। और अब हम लोग फाइनली, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ। और अब हम लोग फाइनली दूध को सही कर देते हैं। गाइस एक्चुअली मेरा सीक्रेट प्लान क्या है, हम लोग दूध को इस फैक्ट्री का ओनर बना देंगे, फ्री मेरे लिए काम करता रहेगा और भाई पैसा ही पैसा होगा। ए दूध ये तो सही हो, लस्सी बन गया यार ये तो। ओके कितना बेकार रोकता ही मैं क्या कर। चलो दूध अब मैं तुम्हें अपने काम के स्पॉट के ऊपर ले जाता हूँ। ओके नहीं नहीं नहीं, माइनिंग मशीन के अंदर नहीं, ये फटवा लेगा अपने आप को गंदे तरीके से, फिर कौन सा एम्प्लॉय लाऊंगा मैं, वैसे एक मिला है मुश्किल से। तुम एक काम करो, कन्वेयर बेल्ट को ऑपरेट करो। हैं ठीक है, स्वीकार कर ली इसने अपनी जॉब। ये देखो पर इतनी क्या ही अजीब से टोटके वाले ग्लासेस पहन लिए उसने, लेकिन चलो आई थिंक अभी ये यहीं पे रहेगा और अपना काम करता रहेगा ये। चलो अब सारा काम तो हो चुका है हम लोगों की फैक्ट्री का, बस एक चीज रह गई इसको फाइनली फिनिश करने के लिए, हम लोगों का सबसे बड़ा डायमंड। और ऐसे
करके मैंने बना दिया माइनक्राफ्ट की सबसे बड़ी डायमंड फैक्ट्री। क्या क्या किया हम लोगों ने इसके अंदर, पूरी डायमंड मशीन्स बनाई, कन्वेयर बेल्ट्स, अपनी डायमंड वाटरफॉल। हम लोगों ने एक सीक्रेट रूम तक बनाया जिसके अंदर एक और सीक्रेट रूम बना हुआ है। भाई साहब बहुत टाइम लग गया मुझे इस वीडियो को बनाने में, अब मैं तुमसे अगली बार मिलूंगा, तब तक के लिए इन दोनों में से एक एपिसोड को क्लिक कर दो, दोनों ही बहुत खतरनाक है।